फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू खत्री व्लॉग्स। गुड मॉर्निंग। अभी हो गए मॉर्निंग मॉर्निंग के, आज 7 बज गया। आज है संडे और आज गोलू भी उठ गई है और अभी हम जा रहे हैं मॉर्निंग वॉक के लिए। इसका भी थोड़ा सा जो है लाइफस्टाइल हम चेंज कर रहे हैं, तो इसको भी आज लेके जा रहे हैं साथ में घूमने के लिए। और उधर देखो, ही इज ऑलवेज रेडी। गुड मॉर्निंग बच्चा। तो चलिए अभी चलते हैं फटाफट घूमने। और ये गई है थक थक गया। यहाँ के इसको ऐसे अंदर क्रॉस करना है, ठीक है? वेरी गुड। चलो सिटू, अभी चलते हैं इसको यहीं छोड़ के। सिटू हाँ हाँ तो आप उतर, आप आओ, अपने आप से आओ इधर के साइड। पापा हेल्प नहीं करेंगे बिल्कुल भी। नहीं बेटा, मम्मा का ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है। ये देखिए, हम घूम के आए हैं और ये बच्चा जो है वो अभी भी सेटिस्फाई नहीं हुआ घूम के। इसको घूमना है, घूमना है, घूमना है। तो बैडमिंटन अभी नहीं खेलेंगे, नीचे नहीं जाएंगे, अभी यहीं पे ही ब्रेकफास्ट करेंगे, देन जाएंगे मार्केट आज, ठीक है? आज उनको बोल रही हूँ कि चाय पिला दो आज सुबह सुबह, तो कह रहे हैं नहीं चाय नहीं मिलेगी, जूस ही मिलेगा, जूस ही मिलेगा। और ये देखिए, इन्होंने जो है सब्जी कल रात को लेके आए थे तो वही निकाल रहे हैं। बोल रहे हैं कि क्या किस चीज का बनाना है वो बता दो। और जो गोलू है, गोलू सुबह सुबह क्या खाया है शना? करेला। नहीं, आपने क्या खाया अभी? करेला। मिठाई खाई है, मिठाई। छुपे छुपे मिठाई कोई खाता है क्या? ये देखो दीदी ने जो मिठाई दी थी वो सुबह सुबह मिठाई खाने बैठ गई है। तो चाय तो मिलेगी नहीं, चलो फिर जूस ही पीते हैं। तो आज मैं बनाऊंगी, मैंने एक लिए कैरेट, एक लिए छोटा सा जो है कुकुम्बर, टमाटर और पालक, इसका जो है मैं जूस बनाऊंगी। तो अभी हम इंजॉय कर रहे हैं अपना, मैं अपना जूस इंजॉय कर रही हूँ और गोलू इंजॉय कर रही है अपना शेक, और ये भी अपना शेक इंजॉय कर रहे हैं। चीयर्स। दिस इज आवर फैमिली टाइम। तो बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह वॉक करके, और हम जो है हाफ एन आवर यहीं बैठते हैं, जूस और ये अपना प्रोटीन शेक जो भी है वो फिनिश करके, देन मैं वीडियो अपलोडिंग पे लगा देती हूँ। तब तक हम जो है हमारी जो चिटचैट हो जाती है आधे घंटे, जो कि पहले बहुत कम होती थी। हम एक्चुअली बात करते थे तो टीवी देखते देखते बात करते थे, बट अभी जो है वो हमारा जो टीवी का जो है टाइम जो है स्क्रीन टाइम कम हो गया है, बट हम जो है यहाँ पे बैठ के और आराम से अपना शेक पीते हैं। और ये देखिए, आज इसमें एक्चुअली मैंने बनाना खत्म हो गया था, तो आज मैंने इसमें मिठाई, तीखे घर से मिठाई आई हुई थी, मिठाई, और मैंने जो है इसमें 25 बादाम डाले हैं और 10 इसमें काजू डाले हैं। ये ऐसे करें देख के कि ज्यादा डाल दिए, बट ठीक है यार, आज बनाना नहीं था तो एक आधे दिन तो ड्राई फ्रूट का जो शेक है वो पी सकते हैं। तो टेस्ट में कैसे है गोलू? जैसे कुछ आइसक्रीम डाले हो। मुंह ऐसे बनाया है बट वैसे अच्छा रिव्यू दिया है। तो चलिए अब मैं एंजॉय करती हूँ अपना जो है मॉर्निंग का सेकंड ड्रिंक। और मैं टेस्ट किया तो बिल्कुल खट्टा था। ये आज बहुत ही अच्छा है, खट्टा खट्टा सा और अच्छा टेस्ट आ रहा है इसमें आज। देखिए मूछे बना लिए मूछड़ लाल ने, मूछे बन गया मूछे। तो चलिए अभी मैंने मॉर्निंग ड्रिंक ले ली थी, अभी बनाते हैं ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में आज मैं बनाऊंगी ब्रोकली की सब्जी और मल्टीग्रेन चपाती, तो दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे ब्रोकली मैंने जो है वो कट कर ली है, और यहाँ पे टमाटर, प्याज और लहसुन कट कर लिया है, और ये आटे के लिए मैंने इसमें डाल दिया है, और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जो है वो घी चढ़ा के, घी में ही तड़का लगाती हूँ मैं, घी चढ़ा दिया मैंने इसमें, और जीरा और हींग डाल दिया है। इसमें डाल दूंगी मैं लहसुन, बहुत ही बेसिक सी मैं जो है सब्जी बनाऊंगी। लहसुन डाल दिया मैंने इसमें, थोड़ा सा इसको जो है लहसुन को
पका लेंगे, बिल्कुल थोड़े से पकाएंगे हम, बहुत ज्यादा इसको नहीं पकाएंगे इसमें। देन उसके बाद मैं डाल दूंगी यहाँ पे प्याज, तो प्याज को भी सिर्फ हम 2 मिनट करेंगे। देन उसमें मैं डाल दूंगी हमारी हरी मिर्च और टमाटर। देन इसमें मैं डाल दूंगी हमारा धनिया पाउडर, नमक और जो है थोड़ी सी हल्दी, एंड दैट्स इट। बस इतना ही इसमें डालूंगी, नॉर्मल जो कोई भी मसाला वसाला मैं कुछ ऐड नहीं करूंगी इसमें। और अगर आप वेट लॉस जर्नी पे हैं तो जैसे कि मेरे को डॉक्टर ने बोला कि आप मिर्ची जो है लाल मिर्ची या हरी मिर्ची थोड़ा सा कम ही रखें अपने डाइट में, क्योंकि उससे क्या होता है डाइजेशन जो है वो ख़राब हो जाता है, और जो आपकी वेट लॉस की जो आप वेट लॉस जो कर रहे हैं वो बीच में ही स्टक हो जाएगा। अब इसको 2 मिनट हम जो है मसालों को पका लेंगे, सिर्फ 2 मिनट ही हम पकाएंगे। देन उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी हमारी ब्रोकली, ये मैंने वॉश करके रखी हुई है तो ये भी मैं इसी में ही डाल दूंगी, और इसको कर देंगे हम अच्छे से मिक्स। अब इसको मैं ढक दूंगी और इसको अच्छे से हम पका लेंगे। जब तक मैं क्या करती हूँ अपना आटा लगा लेती हूँ। ये मेरा बन गया है ब्रेकफास्ट, जिसमें मैंने लिए ब्रोकली की सब्जी। देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, देखिए कितनी टेस्टी टेस्टी लग रही है। ये मैंने बहुत ज़्यादा नहीं गलाई है, मतलब थोड़ा सा मैंने इसको 80% जो है वो कुक करा है। ये मेरी दही है और यहाँ पे है मेरी 2 मल्टीग्रेन चपाती, जिसमें मैंने अजवाइन, सौंफ और कस्तूरी मेथी डाली है, और जो है मेरे जो भी मैं 5 जो आटा यूज करती हूँ, रागी, जो ज्वार, चना और गेहूं का आटा, उसकी मैंने रोटी बनाई है। तो चलिए अभी मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। तो ये देखिए, ये है गोलू का, गोलू की मल्टीग्रेन चपाती, ब्रोकली की सब्जी और दही। तो जैसे कि मैंने कल भी वीडियो में बताया था कि अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं तो आपके बच्चे भी वही फॉलो करते हैं। तो ब्रेकफास्ट मेरा हो गया है और प्लेट मेरी खाली हो गई है, और गोलू ने स्टार्ट कर दिया लॉलीपॉप खाना भी। तो अभी फटाफट एक बार थोड़ा सा काम करके, किचन क्लीन करके मैं नहा लेती हूँ, देन उसके बाद जाएंगे आज मार्केट कुछ घर का सामान लेने। तो लंच हमने कर लिया है, लंच में हमने ली है, मैंने ली आज कोल्ड कॉफ़ी। कोल्ड कॉफ़ी में मैंने ओट्स डाले थे आज, और ड्राई फ्रूट्स डाले थे और चिया सीड्स डाली थी। तो अभी हम जा रहे हैं डीकैथलॉन कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग करने, बहुत लड़ाई होने के बाद जो है वो जा रहे हैं, मान गए फाइनली शॉपिंग के लिए, इन्हीं की शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। और देखो कैसे खड़े हुए हैं, मतलब एक बात बताओ, खुश होके जा रहे हो या धक्के से? फ्रेंड्स ये देखो मम्मा का हाथ जल गया, बता दो ना, खुश होके जा रहे हो धक्के से? देखो खुश होके जाओ या धक्के से, इनकी शॉपिंग में करा के लाऊंगी अभी, क्योंकि इनको हो गए 6-7 महीने शॉपिंग इन्होंने करी ही नहीं है। और इतना जो है पैकेज लेने के बाद, जब भी शॉपिंग की, हमें कोई भी शॉपिंग मना नहीं करते, कभी भी कुछ भी ले लो, बट जब इनकी शॉपिंग की बात आती है तो इनके पैसे हो जाते हैं खत्म, वॉलेट इनका हो जाता है खाली। है नहीं, चलो चलते हैं। आज मैं इनका लेके आऊंगी फाइनली, जो है इनके मैं कपड़े दिला के लाऊंगी। ये देखो गुस्सा करे, कैमरे में आ रहे हो गुस्सा करते हुए। तो अभी फटाफट चलते हैं डीकैथलॉन और वहां से कुछ लाते हैं आज। ये डीकैथलॉन, तो अभी अंदर दिखाऊंगी आपको। वो गोलू पता नहीं क्या भेजिए, कहां पे लाया है गोलू। गोलू स्टार्ट हो गई आते के साथ, इसने जो है एक्सरसाइज करनी स्टार्ट कर दी है। अभी हम आए यहाँ पे, ये देखिए बहुत ही अच्छी, हम डीकैथलॉन आए हैं। डीकैथलॉन एक्चुअली सोना रोड पे 48 जो सेक्टर है उस वाले में आए हैं, और बहुत ही अच्छा कलेक्शन है यहाँ पे। जैसे कि आप देख सकते हैं एक्सरसाइज साइकिल्स यहाँ पे हैं, हर एक जो है यहाँ पे, आपको अगर कैंपिंग के लिए जाना है तो उसके लिए भी हैं। और हर स्पोर्ट्स रिलेटेड यहाँ पे जो है सामान आपको मिल जाएगा, पहले शॉपिंग कर लेते हैं ना कम। और गोलू देखिए, गोलू यहाँ पे स्टार्ट हो गई है कूदना, और यहाँ पे आपको स्पोर्ट्स वियर भी, या आपको अपना लोअर टी शर्ट जो भी लेना है, आप मॉर्निंग वॉक के लिए कुछ भी ले सकते हैं।
मैं प्राइस ये नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा कम था, बट रीज़नेबल प्राइस में ही था और स्टफ़ बहुत ही अच्छा था। ये देखिए बैग्स कितने सुंदर सुंदर हैं यहाँ पे, और आगे देखिए यहाँ पे देखिए ये है बोली बोल के लिए, ये ले रहे गोलू के लिए बोल हाउ मच इज दिस फॉर एंड वो स्टैंड और वो ये देख लो ना इधर से देखो ना, लेकिन नहीं सुटू लगा सकते ना कहीं एक जगह। एंड ये बेटा वेट 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 ये कौन लगा है, दिस इज फॉर 699। कौन सा आपको अच्छा लग रहा है इसमें से, देखो कौन सा अच्छा लग रहा है। हाउ मच इज दिस फॉर 1469, 2449। तो देखो इसमें से कौन सा सही है, तो ले लो डाल लो ट्राई कर लेंगे ना, डाल लो ट्राई करेंगे। हाँ जी बिट्टू ये ले, और वीडियो में तो कलर आ रहा है ग्रीन ग्रीन सा। हाँ जी ले लेंगे, रुको वेट अभी अभी और भी ऑप्शन है उसमें, चलो देखते हैं अभी आओ कम। तो जैसे कि आपने देखा यहाँ पे लोअर टी शर्ट या आपको स्विमिंग के लिए लेना है कॉस्ट्यूम, बच्चों का बड़ों का सबके लिए मिल जाएगा, या कैंपिंग के लिए आपको कपड़े चाहिए या ट्रैक पैंट वगैरह, रनिंग के लिए आपको चाहिए, साइकिल जो एक्सरसाइज की होती है, मतलब हर गेम के लिए वॉलीबॉल बैडमिंटन सबके लिए ले सकते हैं। और यहाँ पे देखिए मैं देख रही हूँ गोलू के लिए टी शर्ट, तो यहाँ पे जो टी शर्ट थी इसकी ये भी रीजनेबल प्राइस में थी, ये 299 की एक टी शर्ट थी। तो आपको एक बार यहाँ पे विजिट जरूर करना चाहिए अगर आपको अपने लिए कुछ लेना है तो। तो यहाँ पे सबके लिए मिलता है, बॉयज गर्ल्स या बच्चों के लिए जो साइकिलिंग या कुछ भी आपको लेना है आप ले सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए अभी करवा लेते हैं बिल, बिल हो रहा है अभी यहाँ पे हमारा। गोलू इसके लिए पेमेंट करनी पड़ेगी पहले गोलू बाय बाय रुको रुको, वो देखना वो खुद वो कर रही है टक्कर नहीं मारना, टक्कर नहीं मारना। चलो 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 जाओ बाय। नहीं भैया चार ही हुए ना अभी, तो पांच हो गए हम जा रहे हैं, बाय 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 बाय। शॉपिंग डन, तो शॉपिंग डन, तो अभी चलते घर, बहुत ज्यादा लेट हो गए हैं। हम आए थे आई थिंक 5 o'clock आए थे ना, अभी हमें 3.5 घंटे हो गए हैं, पौने 8 हो गए हैं। हम आए थे आई थिंक 4:30-5 बजे आए थे, और अभी हो गए हैं 7:45। तो अभी फटाफट चलते हैं घर, डिनर का भी टाइम हो गया है पापा। और आज जो है खर्चा थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, बट जो है हमने मॉर्निंग वॉक के लिए लिए हैं जो भी चीजें लिए हैं, और बहुत ही कंफर्टेबल लिए हैं। इनको भी मैं आज दिला के लाई हूँ, मुझे तो दिला के ही नहीं लाई, ये हमेशा एक्चुअली में हमें दिला देते हैं, मेरे और गोलू के कुछ भी ले लो बट ये खुद नहीं लेते हैं, बट आज मैंने इनको फोर्स करके दिला ही दिया। तो ये फायदा होता है लड़ाई करने का, तो आपको भी अगर अपने हस्बैंड को कुछ दिलाना है तो लड़ना जरूरी है थोड़ा सा। और ये देखिए हम आए हैं शॉपिंग करके, और ये सो गई है यहाँ पे। गोलू गोलू थक गया आज एक्चुअली, पूरा दिन जो है वो सो ही नहीं है। गोलू चुना बच्चू उठ जाओ, आजो घर आ गए। हेलो गुड मॉर्निंग, आजो ऊपर आके सो जाना, चलो कम। और स्वेटिंग कितनी हो रही है इसके देखना, आजो बेटा आजो, सामान ले रखा मम्मा ने हाथ में, कम। हम पहुंच गए घर, और ये देखो मेरे बच्चे को लगी हुई है भूख भूख लगी हुई है शना, भूख लगी हुई है।
ये क्या दिख रहा है? एंजॉय करा आज आपने? नहीं। चल जूता चल एंजॉय तो इच्छी ने कराया आज। और क्या क्या लेके आए हो आज आप? बस ये चीज। क्या आप अपने लिए क्या लेके आए हो आज बता दो? शूज लेके आए हो? ओ वाओ, मॉर्निंग वॉक के लिए। नजर ना लगे मैं बच्चे को। क्यूटी पाई हो, देखो कहाँ बैठ के खाना खा रहा है। और ये लेके आए हैं गोलू के शूज जो दिख रहे हैं। क्या अच्छे लग रहे हैं आपको अपने शूज? अभी खाने में बिजी है। ओके अब खा लो आराम से। ओके और अभी हम पहुंच गए घर। अभी मैं फटाफट जो है वो अपना डिनर कंप्लीट कर लेती हूँ। डिनर में मैं फिर से लूंगी पपाया क्योंकि लेट हो गया। मैं अभी कुछ बनाऊंगी नहीं। वैसे मैं जुकीनी भी लेके आई हुई हूँ और ब्रोकली भी है, उसका सैलेड भी आप खा सकते हैं। बट मैं खाऊंगी पपाया, पपाया ही कट करके खाऊंगी आज भी। तो चलिए फटाफट मैं काट लेती हूँ। और आज मैंने वियर करा हुआ है सूट रेड कलर का, जो कि मेरी मैंने एक वीडियो बनाई थी उसमें दिखाया था कि मैं फैब्रिक लेके आई थी और कैसे मैंने बनवाया था। अगर आपने वो वीडियो भी देखनी है तो आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पे मिल जाएगी। और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस। और तो इस ब्लॉग का मैं यही करती हूँ एंड। मिलते हैं कल सुबह मॉर्निंग में। और जो है सीड्स वगैरह नट्स वगैरह जो भी मैं भिगो के खाती हूँ वो मैं अभी जो है सॉक करके रख दूंगी। और ये देखिए ये कट कर रहे हैं मेरे लिए पपाया। सो स्वीट ना, आज हमारी वैसे लड़ाई हो गई थी क्योंकि एक्चुअली मैं इनको बहुत दिन से बोल रही हूँ कि जो है न्यू क्लॉथ्स ले लो एंड ये मना कर रहे थे। तो उसी बात पे आज हमारी थोड़ी सी लड़ाई हुई थी। बट उसका फ़ायदा हो गया कि ये चले गए। बट मैंने मतलब इतना ज़्यादा नहीं, बट हमारे लिए कभी नहीं मना करेंगे, कुछ भी ले ले। बट अपने लिए बहुत कम खरीदते हैं। मैं ही लेके देती हूँ जो भी लेती हूँ। ये भी मैंने ऑनलाइन ही मंगवाई थी टी शर्ट। तो आज कैसा लग रहा है अपनी शॉपिंग करके? पैसे का ना सोचे क्योंकि क्योंकि ज्यादा खर्चा हो गया है। बट वैसे आपने पहन के देखा था कैसे लग रहा था? ठीक लग रहा था वैसे तो, है ना, अच्छा लग रहा था ना। और पहनोगे स्मार्टी स्मार्टी लगेंगे। डेली में दिखाऊंगी आपको सुबह। ऐसे स्मार्टी स्मार्टी है, देखो कितने तो स्मार्ट है। बट आज थोड़ा सा लड़ाई ज्यादा हो गई थी। और मैं जब भी लड़ाई होती है ना, मैं बर्तन बर्तन सब कुछ ऐसे तोड़ फोड़ हो जाती है। और ये देखिए कट कर रहे मेरे लिए पपाया। तो चलिए इस व्लॉग का यही करते एंड। आज ही एंड करेंगे इस व्लॉग का। मिलते हैं कल नए व्लॉग में सुबह। हम मिलेंगे 6:15 में, उठूंगी 6:15 बजे मॉर्निंग वॉक के लिए। तो कल मैं और चीजें दिखाऊंगी जो हेल्दी चीजें मैं बनाऊंगी। और हाँ, कल गोलू स्कूल भी जाएगी तो उसका भी अभी जो बैग वैग है वो पैक करके रख दूंगी अभी। तो चलिए बाय बाय। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो। कमेंट करके जरूर बताएं। यस, कमेंट करके जरूर बताएं कि किस किस के साथ ऐसा होता है कि किसी के हस्बैंड ऐसे शॉपिंग नहीं करते और जबरदस्ती उनकी शॉपिंग करवानी पड़ती है। वो भी कमेंट करके बताएं। तो बाय बाय, गुड नाइट, से बाय बाय।